नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन। बरेली के प्रेमनगर निवासी एक व्यक्ति ने अपना वीडियो वायरल कर पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई है। व्यक्ति का कहना है कि मेरा बेटा और बहू मुझे जान से मारना चाहते हैं, उन्होंने मेरे घर पर अवैध कब्जा भी कर लिया है और घर में लगे सीसीटीवी कैमरे भी इधर उधर कर दिए हैं। वीडियो में व्यक्ति ने कहा कि भविष्य में अगर मेरी जान जाती है तो उसके जिम्मेदार मेरा बेटा और बहू होंगे। व्यक्ति का कहना है कि इन लोगों ने मेरे पीछे गुंडे लगा रखे हैं और मुझे जान से मारने की कई बार कोशिश भी कर चुके हैं। उनके द्वारा अपने पुत्र शिखर न्याल और पुत्र वधु निधि न्याल के ऊपर जान से मारने की धमकी देने और अपने जबान से पट कुत्ते को छोड़ देने, सीसीटीवी कैमरे को खुर्द बुर्द कर देने एवं घर पर अवैध कब्जा कर लेने आदि और कतिपय आरोप लगाए गए हैं। इस संदर्भ में थाना प्रेमनगर पर एक मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, जिसमें 307, 380 के सहित अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच करते हुए दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। श्रावस्ती से राहत की खबर आ रही है, जहां कई दिनों से लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही राप्ती नदी का जलस्तर अब घटने लगा है। अगर सुबह की बात की जाए तो सुबह राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 2 सेंटीमीटर नीचे पहुंच गया है। जमुना तहसील के एक दर्जन गांव बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं और अब जलस्तर घटने के बाद कटान का खतरा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जारी किए सख्त निर्देश। यूपी में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर अफवाह फैलाना भारी पड़ेगा। अब जो भी कोई वैक्सीनेशन के बारे में अफवाह फैलाएगा, सरकार उससे सख्ती से निपटने की तैयारी कर रही है। योगी सरकार की तरफ से सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे लोगों की पहले पहचान की जाए और फिर उन्हें समझाया जाए। अगर वे लोग फिर भी ना माने तो फिर उनसे सख्ती से निपटा जाए। इस बारे में सरकार की तरफ से गुरुवार को एक निर्देश जारी किया गया है। सभी जिलों के डीएम, सीएमओ और पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा गया है कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में कुछ शरारती तत्व वैक्सीनेशन अभियान में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों से सख्ती से निपटने की पूरी तैयारी कर लें। बरेली पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक व्यक्ति को गंगापुर से गिरफ्तार किया। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने शांति विहार में चल रही अवैध शराब फैक्ट्री के बारे में बताया। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर एक युवक के घर पर चल रही अवैध शराब फैक्ट्री में छापे मारकर देशी शराब के कई ब्रांड और शराब बनाने के उपकरण, रैपर, अन्य वस्तुओं के साथ दो लोगों को हिरासत में लिया है। अन्य दो लोग मौका पाकर मौके से भागने में कामयाब रहे, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। अवैध शराब की बिक्री, परिवहन, संचयन और निष्कर्षण के विरुद्ध जो एक अभियान चलाया जा रहा है, उस अभियान के तत्वावधान में सहायक पुलिस अधीक्षक नगर के द्वारा एक टीम का गठन किया गया। टीम दौड़ाने चेकिंग एक व्यक्ति दीप को गंगापुर से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से अवैध रिमगर, सोल्जर और गोल्डन ग्रीन शराब बरामद हुए। उक्त व्यक्ति से जब गहन पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि जो हम अवैध शराब का निर्माण करते हैं, जिसकी फैक्ट्री नागपुर के बिलासपुर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर भीषण आग लग गई, जहां पर फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर मौके पर आग पर काबू पाया। आग की चपेट में आकर 6 पेट्रोल पंप वर्कर झुलस गए हैं। सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्रावस्ती के मजरा अघिरहाई गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ पर लटका युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की पहचान अदालत शुक्ला के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार अदालत शुक्ला बुधवार शाम को घर से निकले थे, तभी से वो वापस घर लौट कर नहीं आए। परिजनों के काफी तलाशने के बाद जब उनका कोई अता पता नहीं चला, जिसके बाद सुबह ग्रामीणों ने देखा कि आम के बाग में एक पेड़ से अदालत शुक्ला का शव लटका हुआ था, तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। लखनऊ समेत 5 जेलें अब पूरी तरह से हाई सिक्योरिटी जेलों में तब्दील होंगी। गौतम बुद्ध नगर, बरेली, चित्रकूट, आजमगढ़ और लखनऊ की जेलों को हाई सिक्योरिटी में तब्दील किया जा रहा है। अब 3 स्तरों में जेलों की सुरक्षा होगी। जेलों में सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन कैमरे से निगरानी के लिए विशेष कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। मथुरा के गोवर्धन स्थित मुकुट मुखारबिंद मंदिर में पुजारी और सहायक प्रबंध में विवाद हो गया। आपस में झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ा कि गाली गलौच और धक्का मुक्की का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। गोवर्धन के प्रसिद्ध मुकुट मुखाबिर मंदिर में सेवायत और सह प्रबंधक के बीच जमकर गाली गलौच और फिर रिसीवर की मौजूदगी में मारपीट हुई है, जिसके बाद रिसीवर ने बीच बचाव कराया। आपको बता दें कि मंदिर ठेका चार्ज को लेकर यह झगड़ा हुआ था। इसकी लिखित शिकायत भी गोवर्धन पुलिस को दे दी गई है, लेकिन अन्य सामाजिक और मंदिर से जुड़े लोगों
लाखों के आश्वासन पर दोनों लोगों ने आपसी सहमति से समझौता कर लिया है। कानपुर देहात में पैसे लेकर समझौता न करने पर दबंग ने फोन पर एक रिश्तेदार को जान से मारने की धमकी दी है। पीड़ित रिश्तेदार ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। बीते दिनों नवीवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। मामले में पुलिस के हाथ अभी तक कोई आरोपी नहीं लगा है। फोन पर जान से मारने की धमकी का ऑडियो सुन SP ने मुकदमा दर्ज कराकर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सिकंदरा के साखिन बुजुर्ग गाँव की पूरी घटना बताई जा रही है। पीलीभीत में BSA ऑफिस में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट होने से आग लगने की वजह बताई जा रही है। ऑफिस का सारा रिकॉर्ड जलकर राख हो गया। महत्वपूर्ण कागज जो वर्षों से संभाल कर रखे गए थे वो भी पूरी तरह से जलकर खाक हो गए हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे BSA सचिव, ऑफिस के अन्य कर्मचारी, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। AST लाइन की तार टूटकर गिरने से बड़ा हादसा हो गया। करंट लगने से एक मवेशी की मौके पर ही मौत हो गई। बोगी चालक ने बोगी से कूदकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए ठहराया घटना का जिम्मेदार। कई बार शिकायत करने पर भी ढीली और जर्जर तारों को सही नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। मिर्जापुर के रोशनपुर पहलो की घटना। विजयनगर के अशफाबाद और दुरहा गांव के 2 किलोमीटर के दायरे में अचानक उठे तूफान ने भारी तबाही मचा दी, जिससे दर्जनों घर के टीन शेड और छप्पर हवा में उड़ गए। करीब 10 मिनट तक चले तूफान से गांव वालों का काफी नुकसान हुआ है। कई लोगों को चोटें भी आई हैं, जिससे दोनों गांव के लोग सहमे हुए हैं। गाँव वालों के अनुसार तूफान के वक्त अजीब किस्म की आवाजें भी आ रही थी। वही एक सीमित क्षेत्र में तूफान आने से लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। पीलीभीत में निजी कार्यक्रम में रात भर अश्लील डांस हुआ है। नामकरण संस्कार में बारबालाओं का डांस कराया गया। बारबालाओं के ठुमकों पर जमकर नोटों की बारिश भी की गई। SP किरीट राठौर के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मधु टांडा के चांदपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फर्जी झोला छाप डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगाने से 2 महीने की मासूम बच्ची की मौत हो गई है। बच्चे की जान जाने से नाराज परिजन नर्सिंग होम में पहुंच गए और जमकर हंगामा करने लगे। सूचना पर पहुंची पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जैसे तैसे लोगों को समझाया। नर्सिंग होम को भी सील कर दिया गया है। फर्जी डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि पिछले साल भी इसी डॉक्टर के द्वारा एक मासूम बच्चे के इलाज के दौरान मौत हो गई थी। तब भी नर्सिंग होम को सील कर दिया गया था, पर पैसे के बल पर फिर से नर्सिंग होम खोल दिया गया और इसमें लगातार मरीजों की जाँच होने लगी। अम्बेडकर नगर के कटका में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में सिपाही को गोली लग गई है। वहीं जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में भी गोली लगी। पुलिस ने घायल बदमाश समेत 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से तमंचा, जिंदा कारतूस, पिकअप वाहन बरामद हुआ है। घायल हुए बदमाश शहनवाज के विरुद्ध जनपद के कई थानों में पहले से ही कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। फिल्म विकास परिषद उत्तर प्रदेश शासन चेयरमैन राजू श्रीवास्तव के मुख्य सलाहकार को पाकिस्तान से धमकी मिली है। पाकिस्तान के व्हाट्सएप नंबर से अभद्र भाषा और जान से मारने की धमकी दी गई। मंदिर और हिंदुत्व की बात करने को लेकर यह धमकी दी गई है। इन दिनों मुझे पाकिस्तान से धमकियां मिल रही है। कॉलर मुझे जान से मारने की बात कर रहा है। मेरे परिवार के लिए गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन हम इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हिंदू राष्ट्र में मैंने जन्म लिया। हिंदुत्व पर मुझे सदैव गर्व होगा। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। बीते साल भी दिसंबर महीने में पीड़ित ने पाकिस्तान से धमकी मिलने की थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित अजीत सक्सेना ने बर्रा थाने पहुंचकर धमकी मिलने वाले नंबर के खिलाफ पुलिस से शिकायत की है। हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव ने धमकी देने वालों को कड़ा संदेश दिया है। मथुरा में तुलाई का टोकन होने के बाद भी किसान मंडियों में दिन रात एक कर रहे हैं, लेकिन उनके अनाज की तुलाई नहीं हो पा रही। ऐसा ही मामला गोवर्धन मंडी से सामने आया, जहां पर किसानों के द्वारा उनके अनाज की तुलाई न होने का हवाला देते हुए मंडी परिसर के कर्मचारियों पर किसानों को परेशान कर अन्य लोगों के माल की तुलाई करवा कर परेशान किए जाने का आरोप लगाया है। जब इस मामले को लेकर नोडल अधिकारी मौके पर पहुंचे तो किसानों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए अपने माल की तुलाई का आग्रह किया है, जिस पर नोडल अधिकारी ने बताया कि अभी जिलाधिकारी मथुरा के आदेश पर 22 तारीख तक तुलाई होगी, सबके अनाज की खरीद जरूर होगी। कानपुर के किदवई नगर पुलिस ने शादी वाले बाबा को गिरफ्तार किया है। 6वीं शादी की तैयारी कर रहा था कथित बाबा अनुच्छेदन कठेरिया। कभी मौलवी तो कभी तांत्रिक बन युवतियों को झांसे में फंसाता था। 5वीं पत्नी ने 11 मई को चकेरी थाने में FIR दर्ज कराई थी। बाबा अनुज कठेरिया ने शादी.com पर अपनी प्रोफाइल भी बना रखी है। साजापुर के निगोही में तंत्र मंत्र का अड्डा भी बना रखा है। आज कानपुर नगर पुलिस की थाना किदवई नगर द्वारा
अनुज कठेरिया उर्फ अनुज चेतन सरस्वती की गिरफ्तारी की गई है। इनकी पत्नी द्वारा 307, 377, 495 आदि धाराओं के अंतर्गत इनके खिलाफ मुकदमा लिखवाया गया था, जिनपे आज इनकी गिरफ्तारी हुई है। इनकी पूर्व में 5 शादियां होने की बात प्रकाश में आई है। वह ये पूर्व में शाहजहाँपुर जनपद से जेल भी जा चुके हैं और 2 मुकदमे वहाँ पर पंजीकृत थे। एक और मुकदमा थाना चकेरी से इनके खिलाफ चल रहा है। ये तांत्रिक, मौलवी, वेटर, टीचर आदि होने की बात कह करके लड़कियों को फंसाया करते थे। ये शादी की जो ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं उनका इस्तेमाल करके अपनी प्रोफाइल बनाते थे और लड़कियों से संपर्क स्थापित करते थे। ये 5 शादियों होने के उपरांत भी लगभग 30 लड़कियों से संपर्क में थे उनसे शादी करने के लिए। इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है और इनको जेल भेजा जा रहा है, अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पीलीभीत में बीती देर शाम जिलाधिकारी पुलकित खरे और सदर विधायक संजय सिंह गंगवार ने एक नए टाइगर चौराहे का उद्घाटन कर शहरवासियों को नई सौगात स्वरूप दी है। इस दौरान एसडीएम सदर अविनाश चंद्र मौर्य, एसडीएम विजय त्रिवेदी, सिटी मजिस्ट्रेट, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नुपुर गोयल, ईओ सहित अन्य लोग मौके पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि जिलाधिकारी पुलकित खरे ने बीते साल से अब तक शहर के सभी चौराहों का सुंदरीकरण करा दिया है। इसके अलावा अभी एक डंपिंग यार्ड यहाँ सालों से शहर का कूड़ा कचरा फेंक रहा था, उनको भी साफ सुंदर कर एक नए पार्क के रूप में बदलने का काम जोरों पर है। यदि आप बरेली जनपद की ओर से पीलीभीत जाते हैं तो देवहा पुल के पास ईदगाह तिराहा पड़ता है, जहां अब आपका स्वागत करने के लिए टाइगर मौजूद मिलेगा। इसी को लेकर टाइगर चौराहे का नाम दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे जनपद के हर चौराहों को, सड़कों को और जो आम सुविधाएं हैं जो जनमानस तक पहुंचती है उसको करने के लिए प्रशासन बिल्कुल तत्पर है। ऐसे में JCI क्लब, जो एक प्रतिष्ठित क्लब है जनपद का, उसने ये वॉलंटियर किया, उसने ये सहयोग करा कि हम लोग इस चौराहे को टाइगर चौराहे के नाम से विकसित करेंगे। जनपद पीलीभीत बाघों के लिए, अपने टाइगर्स के लिए जाना जाता है, तो ये ज़रूरी था कि जिस तरह से बांसुरी के रूप में एक चौराहा आया है उसी तरह टाइगर्स को भी समर्पित एक चौराहा हो। श्रावस्ती के चोरवा भारी गांव में सरकारी राशन न मिलने से ग्रामीणों में खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। ग्रामीणों ने प्रधान और कोटेदार पर अभद्रता का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने कहा है कि जब राशन लेने जाते हैं तो कोटेदार भद्दी गालियां देता है। ग्रामीणों ने इल्जाम लगाया है कि प्रधानी के चुनाव में वोट नहीं देने पर राशन नहीं दे रहा। वहीं कोटेदार के ही भाभी ललिता सिंह ग्राम प्रधान है। ग्रामीणों का कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आई है। कोटा अलग अटैच करने की मांग भी लगातार की जा रही है। वो उनके ललिता सिंह हैं, उनके पति का नाम है वीरेंद्र प्रताप सिंह और उनका छोटे भाई का नाम है ब्रिजेश प्रताप सिंह, वो कोटेदार हैं और उनकी पत्नी पंचायत मित्र हैं। हम लोग राशन के लिए जब राशन आने देने वहाँ जाते हैं उनके घर पे, तो वो गाली और गलौज देते हैं और कहते हैं कि तुमने हमको वोट नहीं दिया, तुम विपक्ष के पार्टी में थे। कौन से गाँव का मामला? किशनपुर चौराहा भाजी का मामला। और बताओ। इसलिए हम लोग को वहाँ आपत्ति पड़ती, इसलिए हम सोच रहे हैं कि दूसरे उसमें हमारे अटैच किया जाए, समीक्षक पिहानी में अटैच कर दिया जाए। ये प्रधान जो ललिता सिंह है उसका वो वीरेंद्र सिंह उसके घर का है, उसका परिवार है और वो ब्रजेश सिंह कोटेदार है उसी के घर का, वो भाई है छोटा। और वो जो है गल्ला आने जाते हैं, जो लोग कहता है कि वोट हमको नहीं दिया, जाकर अपने जो प्रधान जिसको जिताया उसके उससे गल्ला लो। वाराणसी के लहुराबीर स्थित IMA बिल्डिंग में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर चिकित्सकों और चिकित्सालय पर हो रहे हिंसात्मक प्रदर्शन पर काली पट्टी बांधकर यहां पर विरोध जताया गया। चिकित्सकों ने कहा है कि आए दिन देश के विभिन्न हिस्सों में कार्य के दौरान चिकित्सकों के साथ लगातार मारपिटाई हो रही है और अस्पतालों में तोड़फोड़ की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं, जिस पर रोक लगनी जरूरी है। ग्रेटर नोएडा में लॉकडाउन के चलते जरूरी सेवाओं की दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानें बंद रहने के बावजूद जब दुकान खुली तो लोगों की परेशानियां और ज्यादा बढ़ गई हैं। दुकानों पर पहुंचकर जब लोगों ने अपने बिजली के बिल देखे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। इन लोगों ने आरोप लगाया कि दुकान बंद होने के बावजूद भी इनके बिजली के बिल 2 गुने आए हैं, ये पहले से ज्यादा आए हैं, जबकि उनकी दुकानें पूरी तरह से बंद थी। ग्रेटर नोएडा के कमर्शियल बेल्ट में कंफेंसरी की दुकान पर बैठे रवि ने NPCL की मनमानी के बारे में बताया। दुकानदार का कहना है कि उसकी दुकान पर बिजली कनेक्शन है और 2 किलो वॉट का मीटर भी लगा है, लेकिन NCPCL की तरफ से 6.5 किलो वॉट के कनेक्शन की डिमांड दिखाई जा रही है, जबकि दुकान में एक डीप फ्रीजर के अलावा सिर्फ एक बल्ब लगा हुआ है और वो डीप फ्रीज भी पूरे 1 महीने से बंद रहा, उसके बावजूद भी उसका बिल 5,000 से ज्यादा आया है। एक तारीख से लेके मतलब 1 अप्रैल
एक मई से लेके 7 जून तक मेरी दुकान बंद रही है, ना इसमें मेरी लाइट जली है, ना मेरा ये आपके सामने फ्रीजर है, ये फ्रीजर भी ऑफ रहा है, इसके अलावा कोई तीसरा लोड नहीं है, यहाँ तक कि गर्मी के टाइम में मेरा पंखा भी नहीं। अच्छा, तो कुल मिला के मेरी तरफ से मेरा कोई लोड नहीं है। बिजली का बिल कितना आया? जो एक मिनिमम एवरेज है पर मंथ का, वो मेरा समथिंग 1300 से 1600 के बीच में लोड के साथ, अगर लोड नहीं होता तो 1200-1100। अच्छा, तो मई में भी इतना ही आया? नहीं, मई में ये मैं आज जैसा कि मैं आपको ये बिल दिखा रहा हूँ, मेरा मई का बिल 5072 रुपये का, जिसमें ये चीज कहके उन्होंने अपना पल्ला झाड़ा है कि मैंने 6.5 किलो का पार्ट मतलब लोड यूज किया है, जैसे मैंने कोई एसी चला लिया हो या कुछ काम कराया हो मैंने, जिसमें कि मेरी दुकान बंद है तो जाहिर सी बात है मैं क्या तो यूज करूँगा, क्या मैं लोड करूँगा। अच्छा, ये बताओ 6 किलो वाट के लोड में क्या क्या चीजें चल सकती हैं तो इतना लोड आएगा? 6.5 किलो में जैसे कि ये मेरे सामने आप ऑफिस भी देख रहे हैं, मैंने इनसे जानकारी ली, अगर 3 या 4 एसी एक साथ चलाए जाएं और वो भी लगभग मतलब जैसे नॉर्मली जैसे चलते हैं रात के हिसाब से मान लो, तो कहीं जाके 9-10 यूनिट वो उसके हिसाब से निकलता है अगर 3-4 AC 6.5। और आपकी दुकान पे क्या क्या है? मेरी दुकान पे फ्रीजर ही मानोगे, 5 वाट की LED है, तीसरी कोई चीज नहीं, उसके बाद और उसके बावजूद ये मेरा पिछले महीने का इतना भी। यूनिट कितनी आई आपकी? यूनिट मेरी 58 है। एक सोचने वाली चीज ये कि यूनिट मेरी 58 है मगर मेरा लोड इतना दिखाया गया है कि कुछ जैसे कि मैं एसी चला रहा हूँ तो जाहिर सी बात है यूनिट भी तो बढ़नी चाहिए उस आधार पे। चलो मैं ये चीज मानने के लिए तैयार हूँ, चलो मैंने यूज किया तो यूज किया है तो मेरी यूनिट कहाँ चली गई, यूनिट भी तो आनी चाहिए ना उस आधार पे। हरदोई में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। जितिन प्रसाद के करीबी शशिभूषण शुक्ला शोले ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं शशिभूषण शुक्ला, कांग्रेस पार्टी की सदस्यता और पद से त्याग पत्र दे दिया है। जितिन प्रसाद के करीबी शशिभूषण शुक्ला कांग्रेस सेवा दल के जिलाध्यक्ष भी थे। गाजीपुर में बाहुबली सांसद मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। गाजीपुर की करीमुद्दीनपुर पुलिस ने शुक्रवार को मुख्तार अंसारी की गैंग के एक और बेहद करीबी सदस्य को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी निरीक्षक राम निवास ने बताया कि मुख्तार अंसारी का गैंग बेहद करीबी महेंद्र गांव निवासी मेहरुद्दीन खां को जिला बदर से गिरफ्तार किया गया है। पर सूचना मिली कि वो गांव में ही रह रहा था, इस पर शुक्रवार उसके गांव में दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। एसओ ने बताया कि अभियुक्त के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई भी की जा रही है। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।